शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमरा अच्छा है बुड्ढे का। हाँ, लेकिन आधा तेरा आधा मेरा है। अबे ऐसे क्यों देख रहा है? अबे तू आधी आधी क्या बातें करता है? कभी तू यहाँ सो, कभी मैं वहां सो, कभी एक दूसरे के ऊपर सोएंगे, भाई भाई मिलके सोएंगे। हाथ में लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। आधा किराया दिया है, आधा मेरा ना। ये साइड तेरा, ये साइड मेरा है। अच्छा, वैसे तो है कौन सा साइड? अच्छा गले तो मेरे। नहीं, मैं लॉन्डो के गले नहीं लगता। अच्छा, इतना इतरा रही है तू? जो भी समझना है समझ। अच्छा सुन, ये जो तेरे गुल्लक है, तेरे भगवान है, इन्हें भी तो वहां ले जा। भगवान में तेरे मेरा नहीं होते, भगवान सबके होते हैं इक्वल। और सुन, बंटवारा कमरे का हुआ है, दीवारों को नहीं। भगवान यहाँ से नहीं हिलने के। तो ये जो मैं पोस्टर लाया हूँ अपने बैग में, ये कहाँ लगाऊंगा? जहाँ मर्जी मैं लगा दे, यहाँ से भगवान नहीं हिलने के। सुन, आइडिया दूँ? बाथरूम में लगा, बाथरूम में। यार तेरे में इतना गुस्सा क्यों है? कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? देख, ये बोलने में भी गुस्सा हो रहा है। अरे फिर से बोलता, कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? देख कमरा कितना गर्म हो गया है, खिड़की खोलनी पड़ेगी। खिड़की मत खोल। क्यों? बू आती है वहां से। मैं भी तो देखूं बू कैसी लगती है। वैसे आधे पैसे दिए, आधी खिड़की तो जरूर खोलूंगा मैं। और तू मेरी साइड पे खड़ा, तेरे गले भी मिलूंगा। मैं क्रॉस हो जाता हूं। सारे गणित लगा दिए भगाने के। नजारा है। अच्छा समीर, जानबूझ के दरवाजा बंद रखता था कि मैं ना कुछ देख सकूं, लेकिन हम भी वो हैं जो दूर से बू को सूंघ लेते हैं। क्या माल है यार? माल मत बोल तू उसे। क्यों, तेरी कोई लगती है क्या? नहीं, ये शरीफों का मोहल्ला है। और बाय द वे, ये बहुत शरीफ, नेक और पाकीज़ा किस्म की कन्या है और कर्नल की बेटी है। वो सुनेंगे तो तुरंत गोली मारेंगे। हाँ। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा, छोटे सीने पे। अरे पागल है, तुम मत कूदो। क्यों? तुम्हारी महादशा पहले से ही खराब चल रही है। तुम जाओगे अच्छे के लिए और गिरोगे कर्नल के ऊपर। हाय चेक्स, ये तो घर में घुस रहा है ना। मेरा गणित कहता है इनको टॉमी बाहर ही काटेगा। वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड डॉगी। तो अंदर चला गया। अरे तुम फिकर मत करो, मेरा गणित कहता है एक मिनट में कर्नल इनको बाहर फेंकेंगे। क्या नाम है आपका? टॉमी। अरे बड़ा अनोखा और नया नाम है। पेरी पेन अंकल जी। कौन हो तुम? सनी। और क्या चाहते हो? अंकल जी मैं बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ। अभी अभी मोहल्ले में आया हूँ, इंक्वायरी की तो पता चला सबसे शरीफ और ईमानदार लौंडे आप ही इस मोहल्ले में। लौंडे? और क्या, अपने आप को देखो, अच्छे खासे लौंडे शर्मा जाए आपको देख के। और एक मिनट, ये आपके कान में और ये पट्टा कैसा? ब्रदर मत पूछो, सोचता हूँ तो मेरा खून खौलता है। गणित गलत हो रहा है। अरे क्या कर रहे हो? मत करिए, मैंने अरे क्या कर रहे हो? अच्छी खासी हड्डियां अरे ठीक कर दी है। ये तो छोटी सी लचक है, ध्यान से सीधे देखिए ये। अब बोलिए कैसा लग रहा है, सच बताइए। अच्छा लग रहा है, है ना? हाँ भाई, तुम किनके घर रहने के लिए आए हो? ये आपके पड़ोस में डुगल साहब के यहाँ। जिसने मेरी गर्दन तोड़ी है ना, वो कमबख्त वहीं रहता है। गुस्सा नहीं, मैं उसी के रूम में रहता हूँ। जानता हूँ बदतमीज है, सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए बुजुर्गों के साथ। वो तो इत्तफाक से बॉल लग गया। अरे डार्लिंग, ये क्या हो रहा है? तुमने मसाज वाला कब से रख लिया? ना, आजी ना, से। ना डार्लिंग, ये मसाज वाला नहीं है, ये बहुत अच्छा लड़का है। इसका नाम है सनी, हमारे सामने दुग्गल साहब के घर में रहता है। अच्छा अच्छा। एक बात कहूँ, ये जो मसाज है ना, कभी बंद कमरों में नहीं होता। इसके लिए ओपन गार्डन चाहिए या टेरेस गार्डन, ऐसी जगह तो कमाल। नथिंग लाइक इट। हमारे पास है ना टेरेस गार्डन। नहीं सच्ची? हाँ, कहाँ? ऊपर। अरे मैं देख सकता हूँ? हाँ। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे सनी। हे आ विकेट सनी।
kids. क्या खा लिया इसने? ये तो नृत्य मुद्रा में जा रहा है कन्या की तरफ. चुरा लेगा रानी. Wicked Sunny. Sorry. Hi. Sunny. A flower for a beautiful lady. Thank you. Pleasure. देखो, तुम्हारी लव स्टोरी इस खिड़की से शुरू हुई और कर्नल के कान पे जाके खत्म हो गई. इसकी लव स्टोरी हाथ मिलाने से शुरू हुई और सुहागरात की सेज पे जाके खत्म होगी. सौ दादी के लिए, 500 बहन की पढ़ाई के लिए, 500 उसकी शादी के लिए, 5 रूम पार्टनर. अरे क्या नजारा है, इस कमरे का भाड़ा तो लाख रुपए होना चाहिए था भाई. ये क्या कर रहा है तू? कर्नल को देख रहा हूँ. अच्छा. देखेगा तू? देखा ले. ये तो कर्नल की बेटी है. हैं? दोनों एक जैसे क्यों लगते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. और ये तू पी क्या रहा है? पानी. पानी है? तेरी कसम. अच्छा, पी. सुंगा, ये पानी है? अरे ये गोवा की स्पेशलिटी है, फेनी है, काजू का जूस है. अच्छा, अब मैं तेरा जूस निकालता हूँ. दुग्गल साहब से जाके कहता हूँ कि तू यहाँ पर शराब पीता है. सुन 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 सुन. देख देख देख. आज के बाद नहीं पीऊंगा. आज के बाद नहीं पीऊंगा. प्रॉमिस. ठीक है. बस ये लास्ट घूंट है. ये क्या है? अरे ये देख, मेरी दीवार पर तेरे देवता है तो तेरे दीवार पर मैंने अपनी देवियां लगा ली. तो इसमें गुस्सा खाने की क्या जरूरत है? नहीं खा रहा गुस्सा. गुस्सा हो रहा तू? बिल्कुल नहीं. शांत गदाधारी भी शांत. देख, तुझे गाली देने का मन कर रहा है मुझे? बिल्कुल नहीं. मैं जानता हूँ अंदर ही अंदर मुझे कुछ बोलना चाहता है तू. मारने का मन कर रहा है? नहीं. मुझे मार. नहीं. मार ले. नहीं नहीं नहीं. एक मिनट, एक काम कर, तू अपनी साइड पे जा. ओके. शांति शांति. ठीक है, बहुचाल. दूरबीन रख, नहीं तो मैं कर्नल साहब को बोल दूंगा. बोल दे. तू शराब पी रहा है? तुझसे कहा था ना कल शराब मत पीना? रुक, अभी मैं दुग्गल साहब को बोलता हूं. उसको भी बोल दे. रुक रुक, तू दुग्गल साहब. दुग्गल साहब कौन है बे? आप यहां बैठकर शराब पी रहे हैं? यहाँ बैठ के नहीं पीऊ तो क्या छत पे बैठ के पीऊ? गिर गया तो? इस वक्त आप शराब के नशे में. मैं आपसे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा. मैं आपसे कल सुबह बात करता हूँ. दिखाई तो सुबह से नहीं दे रहा है, फिर क्या फर्क पड़ता आप है? इस बेचारे की बात का बुरा मत मानो. ये आपकी बोतल पकड़ो आप. ये लो. देखा, एक ये किराएदार है तू. तूने आज तक एक सड़ी चाय नहीं पिलाई. ये मुझे ऐज भी करा रहा है मालूम. कहाँ लेके जा रहा है? अरे मैं भूल गया, बिजली के पास चलना. चलो. हाँ. चलो चलो चलो. उधर नहीं, उल्टी साइड. मत जाइए, बहुत बुरी आदत है. हट, मत जाइए. ये अपना तामझाम उठा के लेके जा. तामझाम उठाने की बातें कर रहा, जवाब दीजिए. मत उठा, ये हमारा घर है. ऑर्डर देने वाला ये कौन है? फिर मैं ये सब फेंक दूंगा. सरकार उठाइए और बाहर फेंक दीजिए. ये देख फेंक. अरे किसको पड़ी? किसको पड़ी? कर्नल को पड़ी. अरे किसने मारा? समीर भैया ने मारा. हमारे मोहल्ले का शिकारी है ये.
बड़े बड़े कर्नल मारे इसने। क्या तू मेरे साइड पे क्यों खड़ा है? मैं तुझे किस करूंगा? जब बिजली से प्यार कर। हे रानी, मुझे फिर से माफ कर दे तू। बिजली के पास आ जा, माफी मिल जाएगी। ठंडे ठंडे पानी से नहा के हमारा टॉमी एकदम सुंदर हो जाएगा, एकदम से अच्छा हो जाएगा। वो गंदे कुत्ते हैं ना उधर मोहल्ले में, उनके साथ मत खेलना तुम। हाँ देखो कितने गंदे हो गए तुम। शाबाश, बहुत बीबा बेटा है हमारा, है? बहुत बीबा बेटा है। शाबाश शाबाश। अरे ये क्या काला रंग? मतलब ये मेरा टॉमी नहीं है? ए, 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 जंगली कुत्ता है क्या? रमा, एक कुत्ते ने मुझे काट दिया। रमा रमा, ये हमारा टॉमी नहीं है। रमा, ये डुप्लीकेट टॉमी है, जंगली कुत्ता है। समीर ने हमारे हाथों में जंगली कुत्ता थमा दिया। Oh my देखो God. मैं उसे नहला रहा था, huh? उसका सारा काला रंग निकल आया। oh ये देखो, ये समीर के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। उल्लू के पट्टे ने मुझे कुत्ते से कटवा दिया। हे राम, ये आदमी है कसाई है, मार मार के थक गया, इन्हें अब कुत्तों से कटवा रहा है। बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता। 14 इंजेक्शन लगेंगे इन्हें पेट में। चलिए पहला लगवा लीजिए। जाओ जाओ जल्दी, चलिए चलिए, छोटे छोटे लगवाऊंगा इनके पेट में। अरे 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 अरे, रुक रुक रुक। ओहो, ओ खटारा। 40 रुपए मैडम। ये लो, ये तो 20 है। अरे हर सीनियर सिटीजन को 50% डिस्काउंट मिलता है, चाहे रेलवे से जा या बस से जाओ। और ये तेरा रिक्शा तो खटारा है। ए दादी, ए वे दादी आई, दादी आ गई, दादी आ गई। हयात, इस बच्चे की उम्र तो देखो, मुझे दादी बुला रहा है। समीर, समीर बेटा। नहीं दादी, समीर को मत बुला, समीर बहुत खराब है। क्यों? वो कल मेरा ना चॉकलेट लेके भाग गया था, आज है ना मैं तुम्हारा चश्मा लेके भागूंगा। मेरा चश्मा? नहीं, मैं भागूंगा, तुम्हें पीछे पीछे आओ। मेरा चश्मा? अरे क्या हो रहा है? देखिए इस 60 साल के बुढ़े को जरा समझाइए प्लीज। जी ये मेरे पति हैं। क्या? नहीं मैं इनका बेटा हूँ। हाँ, ये मेरी पाली पाली मम्मी है। मम्मी दादी को बोलो ना चॉकलेट ला के दे, बहुत कंजूस है। मेरे प्यारे बेटे, लो मेरा चश्मा दे दे। बगल एक छलक पे। वो क्या? अपन क्रिकेट खेलेंगे। अरे मुझे वैसे ही नजर नहीं आ रहा है। मैं इसको बॉल की तरह फेंकूंगा, तुम उल के कैच पकड़ना। नहीं आ रहा। रानी का पूरा खानदान मुझसे नफरत करता है, यहां तक कि उसका कुत्ता टॉमी भी। दादी, ये आपके पोते की प्रेम कथा है, अब आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेरे बच्चे, तू चिंता क्यों करता है? अब मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस तू लड़की मुझे दिखा दे, मैं खुद जाके बात करूंगी। अच्छा आ जाओ, दिखाता हूं। दादी, वो रही रानी। कहाँ है बेटा? वो दादी सामने तो खड़ी है। हाँ। है ना खूबसूरत? बहुत खूबसूरत है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा तू तो ऑफिस जा और अपना काम कर, मैं उसके घर जाकर खुद बात करूंगी। ओके दादी, बाय। बाय बच्चे। बेटी। जी माँ जी, मैं यहाँ हूँ। ओह, अरे तुमने मेरे समीर पर क्या जादू कर दिया है? जी
अरे वो तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है। उठते बैठते सोते जागते बस तुम्हारी ही बातें करता है। ये आप क्या कह रही है? आप अच्छी तरह से जानती है कि कर्नल। बेटी मैं जानती हूँ कर्नल समीर से बहुत नाराज है। बेटी एक बार तो शादी के लिए राजी हो जा, कर्नल को तुम दोनों के बीच से हटना ही होगा। बेटी तुम डरना नहीं, अगर तुम समीर से प्यार करती हो तो कर्नल तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। समीर और रमा हा? मेरा बेटा दुनिया की वो खुशियां देगा जो कर्नल नहीं दे सका। तुम्हें कर्नल से डर लगता है तो मैं तुम दोनों को भगा के ले जाऊंगी। समीर अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या बात है, आ जाएगा। आ जाएंगे दादी माँ, लो आ दादी। समीर दादी बात होगी दादी? हाँ बेटा बात हो गई। वेरी गुड, रानी मान गई? रानी मान गई। अच्छा अब तू उसकी माँ से बात कर ले और वो कर्नल को मनाएगी। हाँ उसके बाद 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, कथा समाप्त। दादी ये क्या? दादी ये पानी है, कॉफी ये रही। अरे बेटा जब से ये चश्मा टूटा है ना मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता। दादी फिर आपने रानी से कैसे बात की होगी? अरे बेटा मुँह से बोला जाता है, आँखों से थोड़ी। और फिर तेरी पसंद तो अच्छी ही होगी। जी दादी। दादी हा? ये कितनी उंगलियां हैं? 4 3 दादी, दादी। अरे बेटा अभी मैं पूरी तरह अंधी नहीं हुई हूँ, थोड़ा बहुत नजर आता है। और तू चिंता क्यों करता है, जा रानी की माँ से बात कर ले। समीर चलिए माँ जी। हाँ मैं आपका ये चश्मा बनवा देती हूँ। अच्छा बस कुछ ही समय में हम आपकी ससुराल पहुंचने वाले हैं। लो पहुंच गए। जय कर्नल जुगराज सिंह। ये क्या है? अरे सेंट पीटर चर्च से होली बॉटल लेकर आया हूँ। जाओ, ना ही आपके होने वाले ससुर घर पर हैं और ना ही आपकी होने वाली धर्मपत्नी जी हैं। जाओ सीधे सुंदर सी सासू माँ से बात करो। वो मेरी बात सुनेगी ना? हाँ हाँ, अंदर जाकर कुंडी जरूर लगा देना। कुंडी क्यों बंद करूँ? अरे नहीं, इससे ना ही वो बाहर जाएंगी ना ही तुम्हें बाहर निकाल पाएंगी। बात समाप्त होते ही कुंडी खोल देना, साधारण सी बात है। हाँ हाँ जाओ, हम हैं। ये लगाई कुंडी। समीर तुम ये कुंडी क्यों बंद कर रहे हो? ताकि आप मुझे घर से बाहर ना निकाल सकें और आप खुद भी घर से बाहर ना जा सकें। इस यमदूत को भी अभी आना था। देखो समीर तुम जो कुछ कर रहे हो ना गलत कर रहे हो। प्यार करना कोई गलत है? मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कभी प्यार नहीं किया? किया है ना? नहीं। तो फिर मेरे प्यार पे इतनी पाबंदियां क्यों? देखो समीर तुम। समीर समीर कहाँ है? आपकी मिसेज के साथ अंदर। क्या आप अंदर नहीं जा सकते जब तक समीर का काम ना हो जाए? जब तक समीर का काम ना हो जाए। मुझे एक मौका दीजिए, मेरे पास प्यार में देने के लिए बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ समीर, प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। नहीं, जब तक आप हाँ नहीं कह देंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अरे 2 मिनट का ही तो काम है कर्नल साहब, कर लेने दो ना। देखता हूँ क्या कर रहा है वो कर्नल साहब। अरे लेकिन आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? जब दादी बात कर चुकी हैं, कर्नल तो सिर्फ आर्मी में कर्नल थे, आप इस घर की कर्नल हैं। अगर आपने हाँ कह दिया तो कर्नल भला क्या कर सकते हैं? समीर प्लीज फॉर गॉड से मेरा पल्लू छोड़ दो। अरे जो हो रहा है होने दीजिए चुपचाप, कहीं जवानी के जोश में भाग गए तो इज्जत किसकी जाएगी, बदनामी किसकी होगी? आप दफा हो जाए यहाँ से। फॉर गॉड सेक समीर। आपकी साड़ी अटक गई है, फिक्र मत कीजिए मैं आपकी साड़ी निकाल देता हूँ। रमा रमा। हेलो कर्नल साहब। ए,
लो दुशासन को देख लो। आ,